फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगर किसी को पेसमेकर में इन्फेक्शन हो जाए तो उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसका सबसे ज़्यादा रिस्क किस टाइम पे होता है। ज़्यादातर पेशेंट को जो पेसमेकर लगाया जाता है एक माचिस के डिब्बे का जैसा छोटा साइज़ का डिवाइस होता है, कंधे पर एक चीरे से लगा देते हैं, तो पेसमेकर लगने के पहले 15-20 दिन उस सर्जिकल साइट में इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है जब तक घाव फ्रेश रहता है। ये अगर हो जाए पेशेंट को तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि पेसमेकर के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया और वहाँ पे अगर पस हो गया तो उसे ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर हम ब्लड में कोई भी अगर एंटीबायोटिक्स देते भी हैं या टैबलेट्स अगर लेते भी हैं तो वो एरिया में वो पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि वो एरिया में कोई ब्लड सप्लाई ज़्यादा नहीं रहता है। तो नॉर्मली जो ब्लड से ट्रांसमिट होने वाले एंटीबायोटिक्स है या खून कीटाणुनाशक दवाइयाँ हैं वो वहाँ तक असर नहीं कर पाएंगी। तो अगर किसी पेशेंट को पेसमेकर में इन्फेक्शन हो गया तो उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ता है, और फिर वहाँ से वो डिवाइस को निकाल के दूसरी जगह इम्प्लांट करना पड़ता है, कंटिन्यूस एंटीबायोटिक देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। इसलिए पेसमेकर में इन्फेक्शन होना एक बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन माना जाता है।